अस्सलाम वालेकुम, न्यूज प्लस के साथ मैं हूं अरशद अली। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस और बुलेटिन पर। मजहबी जमात तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफ जलाली ग्रुप की जानिब से पंजाब असेंबली के बाहर जारी धरना खत्म करने का ऐलान। धरना कायदीन ने हुकूमत को राणा सनाउल्लाह के इस्तीफे के लिए 20 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। हुकूमत की तरफ से वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, राणा मसूद और जईम कादरी ने मुजाकरात किए। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैट्स 4 दिसंबर को एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। जेम्स मैट्स कसीरुल जहती उमूर पर पाकिस्तानी क़यादत से गुफ्तगू भी करेंगे। अमरीकी वजीर दिफा दौरे के दौरान वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ और वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर से मुलाकातें भी करेंगे। अमेरिका में जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी का तलबा से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहिमी मफाद पर मबनी वसीउल बुनियाद ताल्लुकात का ख्वाहां है। जनूबी एशिया में अमन तआवुन और खुशहाली के लिए पाक अमरीका तआवुन जरूरी है। लाहौर में अमीर जमात उद्दावा पाकिस्तान प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद का ज़राए ब्लाग को पैगाम। कहते हैं बैरूनी कुव्वत दहशतगर्दी के जरिया पाकिस्तान को आदमी इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशें कर रही है। पिशावर यूनिवर्सिटी पर हमला करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने APS पर हमला किया था। दहशतगर्दी की बुजदिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। कराची रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई, पुलिस अहलकारों समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा और जाली लाइसेंस बरामद कर लिए गए। पुलिस से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार मुलजिमान में ASI, थानेदार और दीगर शामिल हैं, जबकि सियासी जमात के टारगेट किलर्स को भी हिरासत में ले लिया गया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इश्तआल अंगेज तकारीर केस की समाअत। अदालत की जानिब से एक बार फिर बानी MQM के वारंट गिरफ्तारी जारी। फारूक सत्तार की हाजिरी से सस्ना की दरख्वास्त। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में कमर मंसूर, शाहिद पाशा, अमजदुल्ला और दीगर MQM रहनुमा पेश हुए। MQM के टुकड़े होने का सिलसिला जारी। MQM के साबिक रहनुमा सलीम शहजाद ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हमारी पार्टी में चाइना कटिंग वाले होंगे ना टारगेट किलर्स। हमारी पार्टी में ड्राई क्लीनर्स भी नहीं होंगे। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। 16 दिसंबर को औरंगी में जलसा करूंगा। पाक रूस बाहमी ताल्लुकात में दिफाई ताउन का होना एक नया इजाफा है। जल्द ही दोनों ममालिक तवानाई के शोबा में भी ताउन को फरोग देंगे। रूस के वजीर तिजारत और सनत से बामकसद मुजाकरात हुए हैं। मॉस्को में वफाकी वजीर दिफा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के 5वें इजलास से खिताब। हमारा दुश्मन हमारे दुश्मन की गोद में बैठा है, हमने सीने पर गोली खाई है लेकिन पीठ नहीं दिखाई। भारत को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा, यही भारत के मफाद में है। इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान बैकडोर रबते हो रहे हैं। कौमी सलामती के मुशीर जनरल नासिर जंजुआ की ज़राए अब्लाग से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तालिब इल्मों को तहफ़ देने में नाकाम हो गई। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद ब्लोर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तालिब इल्मों को तहफ़ देने में नाकाम हो गई है। हमारे दौरे हुकूमत में हमले हम पर होते थे लेकिन अवाम महफूज रहते थे।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कोयटा में पश्तूनख्वा मैप के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पश्तूनख्वा नया पाकिस्तान क्या बनता, वो तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है। क्रिकेटर लाहौर में बनने वाली मेट्रो बस को जंगला बस कहता था, मगर अब खुद पेशावर में मेट्रो बस बना रहा है जो 4 साल से मुकम्मल ही नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह के माबैन मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में होने वाली मुलाकात में मुकदमात जल्द निपटाने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं साइलीन को जल्द इंसाफ की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। बहरे हिंद में उठने वाले ओखी तूफान से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, ताहम तूफान के बाइस सिंध में शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान इस वक्त कराची के जनूब मशरिक में 1442 किलोमीटर दूरी पर भारतीय शहर मुंबई के करीब मौजूद है। इसके असरात ठट्टा और बदीन में 4 दिसंबर को नजर आएंगे। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। पंजाब के बाद मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में दिन का आगाज हल्की धुंध से हुआ। अगले चंद रोज में मुल्क भर में शदीद सर्दी की पेशन गोई भी की गई है। साल का आखिरी सुपर मून 4 दिसंबर को होगा। ये साल का आखिरी सुपर मून भी होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की दोपहर 1:45 दोपहर की वजह से पाकिस्तान में रहने वाले शायकीन पूरी तरह से लुत्फानंदोज नहीं हो सकेंगे। फुटबॉल के बुखार का शिकार होने वाले नौजवान हो जाएं तैयार। रूस में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए टीमों के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया और मैच के मेजबान रूस और सऊदी अरब के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 32 टीमों को 8 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। नौशहरो फिरोज में 4 अहलकार जा बहक, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी का टायर फट गया। सुबह सिंध के जिला नौशहरो फिरोज में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 4 अहलकार जा बहक और 8 जख्मी हो गए। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।